जिसके माध्यम से स्मरण शक्ति बढ़े, हम जो भी पढ़े या सुने वह स्मरण हो जाए और काफी लंबे समय तक स्मरण बनी रहे। हमारे बोलने में एक गांभीर्य पैदा हो, हम जो बोले उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़े, हम सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकें, वह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हमारी वाणी में ही एक सम्मोहन सा आ जाए जिससे कि एक प्रभाव बन सके। परीक्षा में सफलता या साक्षात्कार में पूर्ण अनुकूलता इस सरस्वती साधना के माध्यम से ही संभव है। इसके साथ ही साथ यदि हमें श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल रहे हो, गुरु कृपा प्राप्त नहीं हो रही हो, गुरु की सामीप्यता अनुभव नहीं हो रही हो, तब भी यह सरस्वती साधना ही सहायक हो सकती है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सरस्वती साधना संपन्न करनी चाहिए। इस सरस्वती साधना के तीन आयाम हैं। एक तो गर्भस्थ बालक को चेतना देना या सरस्वती सिद्ध कराना, दूसरा जब 5 वर्ष का बालक हो जाए तब उसकी जिह्वा पर सरस्वती बीज मंत्र कीलित करना, और तीसरा सरस्वती साधना संपन्न कराना। ये तीनों ही आज के युग में व्यक्ति के लिए आवश्यक बन गए हैं, जो वास्तव में ही अपने बालकों को मेधावी बनाना चाहते हैं, योग्य और उत्तम बालक चाहते हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में और प्रत्येक क्षेत्र में तीव्रता के साथ बढ़ सके। तो गर्भ में ही गुरु सरस्वती साधना संपन्न करा लेता है, इसे गर्भस्थ सरस्वती साधना प्रयोग कहा जाता है। जब गर्भ में बालक 3 महीने से ज्यादा समय का हो जाए तब पति पत्नी दोनों को गुरु के चरणों में पहुंचना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि होने वाली संतान को आप अभी से सरस्वती प्रयोग संपन्न करवा दें, क्योंकि उस समय उस बालक को यदि सरस्वती प्रयोग संपन्न करवा दिया जाता है तो वह अपने आप में ही मेधावी बन करके ही जन्म लेता है। पिछले जीवन के सारे ज्ञान को वह अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। यह अपने आप में उच्च कोटि का प्रयोग या साधना है जो बहुत कम योगी सन्यासी या गुरु जानते हैं। ढोंग या पाखंड की बात तो अलग है, यह तो जितने भी साधु सन्यासी या योगी हैं वे सभी ऐसा कह सकते हैं कि हमें गर्भस्थ बालक को चेतना देने की साधना का ज्ञान है, पर वास्तविकता में ऐसा होता नहीं, क्योंकि यह अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय साधना प्रयोग है जो बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होता है। पति पत्नी दोनों को गुरु के चरणों में पहुंचकर इस प्रयोग को संपन्न करने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और गुरु इस पूरे प्रयोग को संपन्न करावे। पूर्ण सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से, जिससे कि
गर्भस्थ बालक चेतना युक्त बने, जिससे कि बालक का मस्तिष्क विकसित हो, जिससे कि पिछले जन्मों में प्राप्त की हुई शिक्षा का उसे स्मरण रहे, जिससे कि जन्म लेते समय वह अपने आप में ही पूर्णता युक्त जन्म ले, जिससे कि वह आगे चलकर एक अद्वितीय व्यक्तित्व बन सके। इसे गर्भस्थ सरस्वती प्रयोग कहा गया है। और जो भी समझदार माता पिता हैं, जिनके पास भी सुविधा है, जो उसे उचित समझते हैं, उनको यह प्रयोग अवश्य ही संपन्न कराना चाहिए। दूसरा प्रयोग, जब बालक 5 से 8 वर्ष का हो, तब जिह्वा सरस्वती प्रयोग संपन्न किया जाता है। यह तो यह प्रयोग जीवन के किसी भी भाग में, किसी भी उम्र में संपन्न किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वह 5 या 8 वर्ष का ही हो। 40 साल के व्यक्ति को भी जिह्वा सरस्वती प्रयोग संपन्न कराया जा सकता है, 60 साल के व्यक्ति को भी संपन्न कराया जा सकता है। पर यदि सुविधा हो और बालक 5 से 8 वर्ष के बीच की उम्र का हो, तो उसे तो यह प्रयोग अवश्य अपने गुरु के द्वारा संपन्न करा ही लेना चाहिए, वह चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। एक विशेष शुभ मुहूर्त में गुरु इस प्रयोग को संपन्न कराता है, जिसे इसका ज्ञान होता है, और वह अष्टगंध से विशेष मंत्रों के साथ, ध्वनियों के साथ, प्राण चेतना के साथ, शक्ति के साथ उसकी जिह्वा पर उस सरस्वती मंत्र का कीलन कर लेता है, जिससे स्वतः सरस्वती उसकी जिह्वा पर स्थापित हो जाती है। वह शिक्षा के क्षेत्र में तेज गति से बढ़ने लगता है, सफलता पाने लगता है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने लगता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और वह मेधावी बालक कहलाता है। यह प्रयोग बाद में भी कभी भी अपने गुरु के द्वारा संपन्न करवाया जा सकता है, वह चाहे 20 साल की उम्र का हो चाहे 50 साल की उम्र का हो, मगर यह जरूरी प्रयोग है, आवश्यक प्रयोग है, जो कि बहुत कम लोगों को ज्ञात है। और तीसरा प्रयोग सरस्वती प्रयोग है, जो कि साधक के लिए आवश्यक है, जिससे कि वह वक्तृत्व कला में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता पा सके। यह किसी भी रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है। इसके लिए एक अत्यंत आकर्षक सरस्वती यंत्र की आवश्यकता होती है, जो प्राण चेतना युक्त हो, जिसमें समस्त सरस्वती के बीज अंकित हो। ऐसा यंत्र अपने आप में ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह साधक के संपूर्ण शरीर को प्राण चेतना युक्त बना देता है, क्योंकि इस यंत्र का सीधा प्रभाव साधक पर पड़ता है। सरस्वती का चित्र हो, स्फटिक माला हो, सफेद आसन हो, सफेद धोती पहने और पूर्व की ओर मुंह करके साधक बैठे, रविवार की प्रातः से यह साधना प्रारंभ करें, यह मात्र 8 दिन की साधना है, रविवार से प्रारंभ कर अगले रविवार को यह साधना
पूर्ण की जा सकती है और नित्य इसके 21,000 मंत्र जप करने आवश्यक माने गए हैं। इसमें मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। मंत्र भले ही छोटा सा हो मगर ऐं बीज के युक्त है, इसलिए इसका सीधा प्रभाव साधक पर पड़ता ही है, क्योंकि वह यंत्र अपने आप में इस मंत्र से सीधा संबंध रखता है और इसलिए इस मंत्र और उस यंत्र का सीधा प्रभाव साधक के चित्तवृत्ति पर होता है। जब यह साधना संपन्न कर ले तब उस स्फटिक माला को गले में धारण कर ले। ऐसा करने पर इस साधना के जो लाभ मैंने बताए हैं वे स्वतः साधक को प्राप्त हो जाते हैं। उसकी वाणी में निखार आ जाता है, उसके व्यक्तित्व में एक चेतना बन जाती है, एक प्रभाव बन जाता है। वह जो कुछ बोलता है वह सत्य होने लगता है, उसे वाक शक्ति प्राप्त होने लगती है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसकी सफलता की स्थिति अपने आप में तेजी के साथ अग्रसर हो जाती है। और दूसरी साधना है वाग्देवी साधना, जिसके माध्यम से कला के क्षेत्र में पूर्णता पाई जा सकती है, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, भावनाओं के चित्रण के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में और उन सारे क्षेत्रों में जहां सरस्वती की आराधना संपन्न होती है, इसी को तो वाग्देवी साधना कहा गया है। प्रत्येक कलाकार के लिए यह साधना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य मानी गई है। यह साधना रविवार से प्रारंभ होती है और यह साधना भी मात्र 8 दिन की ही साधना है, जिसमें वाग्देवी का चित्र और मंत्र सिद्ध प्राण चेतना युक्त वाग्देवी यंत्र की आवश्यकता होती है। साधक रविवार की प्रातः सफेद वस्त्र पर इस यंत्र को स्थापित कर दे और उसके पीछे ही वाग्देवी चित्र को भी स्थापित कर दे, स्वयं श्वेत वस्त्र या धोती धारण कर पूर्व की ओर मुंह कर बैठ जाए और सामने 3 घी के दीपक लगा दे, अगरबत्ती प्रज्वलित कर दे और फिर सरस्वती की संक्षिप्त पूजा कर स्फटिक माला से मंत्र जप संपन्न करे। यह मंत्र है ऐं 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 वाग्देवी ऐं 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 नमः। इसमें 3 बीज प्रारंभ में और 3 बीज अंत में रखते हैं और नित्य 21 माला मंत्र जाप करने का विधान है। जब मंत्र जब पूरा हो जाए तब स्फटिक माला को उस व्यक्ति को धारण कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव, इस साधना का प्रभाव उसके जीवन में पूर्णता के साथ बना रहे। यदि साधक चाहे तो सरस्वती साधना और वाग्देवी साधना दोनों संपन्न कर सकता है, मगर ये दोनों ही साधनाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। वाग्देवी साधना संपन्न करने पर साधक कला के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उसे लोकप्रियता प्राप्त होती है, उसके संगीत में और नृत्य में निखार आ जाता है, व्यक्तित्व देने की कला में एक प्रखरता आती है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने शब्दों के माध्यम से
दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है। वह चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, चाहे समाज का व्यक्ति हो, चाहे कहीं का व्यक्ति हो, वह उसके अनुकूल और वशवर्ती बन जाता है। इसीलिए बाघ देवी साधना को जीवन का आधार माना गया है और इन दोनों साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर लेना ही जीवन को पूर्णता पर पहुंचाना है और ऐसा आपके जीवन में हो ही। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।